हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनआईओएस 12th क्लास हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि आप सभी स्टूडेंट को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो प्रिपेयर करने हैं जो आपके अभी इस वीडियो में बताने वाली हूँ, बट साथ ही साथ आप सभी स्टूडेंट के लिए एक और वीडियो बनाई है जो बच्चों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है। आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देखें और उसका बेनिफिट लें। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपके सामने भी स्क्रीन पर अभी आप देख सकते हैं, इस तरीके का उसका थंबनेल है। तो उस वीडियो को आप देखें, उसमें मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है और तरीका बताया किस किस तरीके से आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देख लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट चैप्टर है कविता कैसे पढ़े, वहाँ से हमारे ये क्वेश्चन है, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा जो पार्ट दो है दरिदास, यहाँ से हमारे जो है वो क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा सकते हैं, आपसे दोहे वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको किस तरीके से उनका आंसर लिखना है, ठीक है, व्याख्या करने के लिए आ जाएगा, तो आपको किस तरीके से उनका आंसर करना है ये आपके सामने स्क्रीन पर है। लेकिन उस वीडियो को आप देख लेना, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मैंने पूरा तरीका बताया है किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कैसे उनके आंसर लिखने हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है, किस तरीके से आपको आंसर करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब उस वीडियो में बताया। बट अभी मैं आपको यहाँ पर फिर बता दूँ कि आप सभी स्टूडेंट को जो भी क्वेश्चन पहले आ रहा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होती है। जो भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, ओवर राइटिंग स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं करनी है आंसर सीट पे। सेकंड आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को लिखना है जो आपको लगता है कि थोड़ा बहुत लर्न है, आपको याद है, कुछ भूल गए, कुछ लाइन आपको याद नहीं रही, तो ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। थर्ड, आपको पेपर क्योंकि खाली नहीं छोड़ कर आना, तो आपको वहाँ पर बना के लिख कर आना है, ठीक है। इस तरीके से आप फॉलो करेंगे तो आप ईजिली अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ये आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन लिए गए हैं, आपके यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन यहाँ पर बताए गए हैं वो ही आपके इसमें से ही पूछे जाएंगे। फिलहाल चैप्टर वाइज तानाशाही क्या होती है, पाठ में आए उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये आपका आपके सामने आंसर है। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको तो अच्छे से इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही इससे, बाकी सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आते ही आते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ ले जाता है, बट हाँ क्वेश्चन वहाँ से उस चैप्टर से उस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इनके स्क्रीनशॉट लेके इनकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, एंड बाकी के सभी क्वेश्चंस को आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ठीक है। काफ़ी बच्चे सभी क्वेश्चन लर्न करने की कोशिश करते हैं जो उसमें दे रखे होते हैं बुक में, तो वो ज़रूरत नहीं है। आपका जो ग्रामर पार्ट है आप उसको पूरा कर लो तो आप ईज़िली पास हो जाओगे। बस आपको क्या करना होता है कि एक बार आपकी जो बुक होती है उसको आप एक बार रीड कर लो, बस जो भी स्टोरी दी गई है उनको रीड कर लो, उनको पढ़ के समझ लो कि क्या उसमें बोला गया है, ठीक है। ये सब चीज़ आप समझ लोगे तो आप इजीली बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर गेन कर सकते हो। अनुराधा पार्ट 15, यहाँ से भी आपके ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है अनुराधा वाला। चैप्टर 19, पत्र कैसे लिखें, पत्र जैसे कि आपको एक लेटर लिखने के लिए आएगा, यानी कि जैसे हम पत्र बोलते हैं वो आपका फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल होगा तो आपके क्या आ जाएगा, वो एडिटर को लिखने के लिए आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आपका वो इनफॉर्मल होगा तो आपके किसी दोस्त को लिखने के लिए आ जाएगा लेटर, या फिर आपके किसी या फिर आपके फादर को, आपके ब्रदर को, इस तरीके से आप लिख सकते हो, वो आपके इनफॉर्मल में आ जाते हैं। तो यहाँ पर ना कुछ आपके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, जो आपके आपके बोल सकते हैं पत्र हैं, ठीक है, उनको मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिया हुआ है। आपको अगर इस टाइप का आता है तो आप किस तरीके से आंसर उसका करोगे वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है।
छत्तीस पार्ट 29 यानी कि लेसन 29 में है निबंध कैसे लिखें। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक पे यहाँ पर दिए हुए हैं उनको आप लर्न कर लेना। तो ये हैं आपके किस तरीके से लिखना चाहिए, किस तरीके से कोई अगर टॉपिक दे दिया जाए तो उस तरीके से उसके बारे में क्या क्या लिखना चाहिए, उसको किस तरीके से मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, उसमें क्या क्या सुधार हो सकता है। ठीक है, निबंध आपसे किसी ना किसी प्रॉब्लम पे ही आता है, तो वो सब चीज़ आप उसके बारे में आप हिंदी में ईजिली अपनी लैंग्वेज में आप लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रूरी नहीं बुक इस लैंग्वेज में आपको लिखना है, इतने डिफिकल्ट आपको वर्ड लिखने कोई ज़रूरी नहीं है, आप सिंपल लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उस वीडियो को आप जरूर देखें, आपके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, तो वीडियो को देख के देन उस वीडियो का भी बेनिफिट लें एंड उस वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। काफ़ी बच्चों ने उस वीडियो को देखा है और लाइक भी किया है, तो आई होप कि आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आगे भी सभी सब्जेक्ट की वीडियो आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर